हेलो दोस्तों, नमस्ते, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है मानव प्रायर, आप देख रहे हो हिंदी टेक वीडियो। और इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं जो मैसिक का नया वर्सन आया है, मैसिक 14.0 MI A2 डिवाइस के लिए, उसके बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पर जैसे देख पा रहे हो, यहाँ पर मेरे पास से MI A2, यहाँ पर आपको MIUI 12 20.1 मिल जाएगा दोस्तों मैसिक्स के तरफ से। और यहाँ पर आपको दोस्तों Android 10 भी मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एंड डेवलपर का भी नाम आप पढ़ पाओगे। एज वेल दोस्तों, यहाँ पर मैसिक 14.0 के अंदर क्या क्या मिलता है, क्या क्या इंप्रूवमेंट है, सब कुछ इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ। एक रिव्यू शेयर करने वाला हूँ आपको MI A2 डिवाइस के अंदर मैसिकOS 14.0 MIUI 12.1 का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सिलेक्ट जरूर से कीजिएगा। हो सबसे पहले बात कर लेते दोस्तों, इस अपडेट के अंदर नया क्या ऐड किया गया है। इस अपडेट के अंदर आपको नया कॉन्फ़िग मिल जाएगा। नेक्स्ट जो चीज़ है दोस्तों, इस पर्टिकुलर अपडेट के अंदर आपको दोस्तों हेल्थ एप्लीकेशन जो है, आपको MIUI का हेल्थ एप्लीकेशन जो मिलता है उसके अंदर आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगी। उसके बाद जो वेदर एप्लीकेशन है दोस्तों, वो भी आपको नया मिल जाएगा। वेदर एप्लीकेशन एकदम ही नया मिलेगा। थीम एप्लीकेशन को नया वर्जन में अपडेट कर दिया गया है। कैलेंडर एप्लीकेशन को, कैलकुलेटर एप्लीकेशन को, गैलरी एप्लीकेशन, वीडियो एप्लीकेशन, स्क्रीन टाइम एज वेल दोस्तों, जो मी शेयर आपको मिलता है, सभी को दोस्तों नया वर्जन के अंदर अपडेट कर दिया गया है। सो इससे मालूम चलता है दोस्तों, आपको नया जितने भी MIUI 12.1 का जो भी एप्लीकेशन हमें मिलती है प्री इंस्टॉल, सभी को नया वर्जन के अंदर अपडेट कर दिया गया है। ये जो दोस्तों वर्सन है 14.0, इसके अंदर आपको परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज किया गया है। एज वेल दोस्तों, इसे बीटा से दोस्तों स्टेबल कर दिया गया है। एवरीडे के अंदर आप यूज़ कर सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है अपने MIUI 2 डिवाइस के अंदर। नेक्स्ट जो दोस्तों बात है, अगर बात हो रही है यहाँ पर आपका जीबोट का, तो आपको जीबोट के अंदर दोस्तों नया नया थीम मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको दोस्तों सेटिंग्स में जाके आप दोस्तों यहाँ पर कुछ प्री इंस्टॉल्ड थीम मिल जाएगी। तो जीबोट के अंदर आपको थीम का सपोर्ट मिल गया है। एक्चुअली दोस्तों जीबोट का ही फीचर है। एज वेल दोस्तों आपको नया फॉन्ट्स भी मिल जाएगा। सो भाई साहब, यहाँ पर आपको नया फॉन्ट मिलेगा। सो फॉन्ट्स के लिए आपको जाना होगा यहाँ पर डिस्प्ले के अंदर। उसके बाद सिस्टम फॉन्ट के अंदर आपको नया कुछ फॉन्ट्स मिलेगा। शो ऑल में टैप कीजिए। सो आपको यहाँ पर टोटल 9 न्यू फॉन्ट मिल जाएगा। देख पाओगे प्रोजेक्ट साइन है, गूगल साइंस मिलेगा, डिजिटल साइन मिलेगा। सो नया फॉन्ट्स को भी इस पर्टिकुलर अपडेट के अंदर डाला गया है। सो लास्ट जो लास्ट जो मैसिक का 13.3 अपडेट आया है, उसके अंदर जो जो बग्स थी उसे सभी 13.3 के अंदर जो बग्स थी उसे सभी दोस्तों 14.0 के अंदर फिक्स करके दिया गया है। एज वेल जो MIUI 12 के अंदर बग्स थी उसे भी फिक्स करके दिया गया है इस पर्टिकुलर अपडेट के अंदर। सो कॉलिंग के अंदर बहुत सारी फीचर्स को ऐड किया गया है। जैसे कि अगर आपको कोई भी बंदा कॉल कर गया तो दोस्तों आप चाहो तो जो फोटो होगा कॉन्टैक्ट का फोटो, उसे आप चाहो तो डिसेबल भी कर पाओगे या एनेबल भी कर पाओगे, वो भी डाला गया है। एज वेल दोस्तों आप कॉलिंग विंडो को फुल स्क्रीन भी कर सकते हो। एज वेल अगर आप चाहो तो ऊपर यहाँ पर पॉपअप भी कर पाओगे। सो ये भी ऑप्शन नया डाला गया है इस ऑप्शन, इस बिल्ड के अंदर। नेक्स्ट जो ऑप्शन ऐड किया गया है दोस्तों, अगर आपको कोई बंदा कॉल करेगा दोस्तों, कॉल करने के बाद अगर आप उसे रिजेक्ट कर दोगे और उसे एक्सेप्ट करोगे दोस्तों, आपका जो फ़ोन है किस तरह से बिहेव करेगा उसे भी दोस्तों आप पहले से सेट करके रख सकते हो। यहाँ पर आप चाहो तो स्पीकर में डाल सकते हो, स्पीकर को बंद कर सकते हो, हेडफोन में डाल सकते हो, हेडफोन को बंद कर पाओगे। इस तरह की फीचर आपको इस पर्टिकुलर बिल्ड के अंदर मिल जाएगी। एज वेल दोस्तों, अगर आप कॉन्फ्रेंस कॉल करना चाहते हो, एंटी स्पैमिंग का भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। एंड मिस कॉल, रिजेक्ट कॉल एंड ब्लॉक कॉल, इनकमिंग कॉल के लिए अलग अलग आइकॉन भी मिल जाएगी, जो कि मैसिक की 13.3 के अंदर मिसिंग थी, 14.0 के अंदर हमें यहाँ पर मिल जाती है। उसके बाद जो नया बग फिक्स हुआ है दोस्तों, जो डाउनलोड है, डाउनलोड क्रैश हो जा रहा था। अगर आप गूगल क्रोम से कोई भी चीज़ डाउनलोड करते थे तो डाउनलोड का जो प्रॉब्लम है दोस्तों, उसे भी फिक्स करके दिया गया है। डाउनलोड के अंदर जो क्रैश हो जा रही थी उसे भी फिक्स करके दिया गया है। अभी दोस्तों अगर आप नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम के वॉच करते हो मैसिकOS 14.0 के अंदर, तो दोस्तों आपको HD कॉन्टेंट का भी सपोर्ट मिल जाएगा। लास्ट बिल्ड के अंदर दोस्तों मिसिंग था। अगर आप चाहो तो गूगल से बैकअप को भी रजिस्टर कर पाओगे, उसको भी जो प्रॉब्लम है उसे फिक्स करके दिया गया है। सो अगर आपको दोस्तों लास्ट बिल्ड के अंदर डुप्लीकेट नोटिफिकेशन आ रहा था स्लैश बार के साथ साथ नोटिफिकेशन पैनल के अंदर, उसे भी इस बिल्ड के अंदर फिक्स करके दिया गया है। एज वेल दोस्तों रशियन लैंग्वेज का भी सपोर्ट मिल गया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है अगर आप यूज़ करते हो तो। आई डोंट नो, सो जैसे कि मैंने बताया जो गूगल कीबोर्ड है उसको लेटेस्ट वर्जन के अंदर अपडेट कर दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एज वेल दोस्तों जो नेटवर्क का स्पीड रिफ्रेश रेट है उसे भी दोस्तों फिक्स करके दिया गया है स्टेटस बार के अंदर। एंड जो आइकॉन से दोस्तों आइकॉन को भी रिफ्रेश किया गया है, आपको जो आइकॉन से वो अभी जल्दी जल्दी अपडेट होते मिलेगी। सो बहुत सारी फिक्सेस अप्लाई किया गया है दोस्तों इस पर्टिकुलर बिट के अंदर मैसिक का 14.0 अपडेट के अंदर। और बहुत सारी चीज़ें दोस्तों जो कि ऑलरेडी आपको मिल जाती है, जो कि मैं ऑलरेडी लास्ट वीडियो
वीडियो के अंदर बहुत ही अच्छे से समझाया हूँ। यहाँ पर मैक्सिमम कॉलर एंड ब्राइटनेस का ऑप्शन है, रीडिंग मोड है, डार्क मोड मिलेगा एज वेल दोस्तों। सिस्टम एनिमेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी, स्टेटस बार के अंदर देख पाओगे, बहुत सारी कस्टमेशन मिलेगी एंड एज वेल यहाँ पर आप हाइट कर सकते हो अलार्म क्लॉक ब्लूटूथ को एज वेल। दोस्तों अगर बात करो यहाँ पर बग की, तो यहाँ पर जो कैमरा एप्लीकेशन है दोस्तों, कैमरा एप्लीकेशन के अंदर जो पोर्ट्रेट मोड है उसके अंदर अभी फिलहाल बग है। एज वेल जो रीडिंग मोड है दोस्तों, सेटिंग्स के अंदर आपको यहाँ पर डिस्प्ले के अंदर रीडिंग मोड भी मिल जाएगा, सो रीडिंग मोड के अंदर भी बग दिखा गया है। सो ये दोनों मेजर बग है दोस्तों। और यूपीआई बेस्ड एप्लीकेशन की बात करूँ तो वाईफाई काम कर रहा है, ब्लूटूथ काम कर रहा है, हॉटस्पॉट काम कर रहा है एंड यहाँ पर प्ले स्टोर के अंदर आपको मैं दिखा दे रहा हूँ सेटिंग्स में से। सो यहाँ पर डिवाइस इज नॉट सर्टिफाइड है, इसलिए आपको मैजिक्स को फ्लैश करके सेफ्टीनेस को अलग से पास कर लेना होगा। मतलब यूपीआई एप्लीकेशन फर्स्ट टाइम में काम नहीं करेगी, बट अलग से आप यूपीआई बेस्ड एप्लीकेशन को भी यूज़ कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जो रहा हमें काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रहा हमें, आप इसे आराम से अपने डेली लाइफ के दौरान यूज़ कर पाओगे, कोई भी शिकायत का मौका यहाँ पर नहीं है। आपको डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो बिग शाउट आउट टू द डेवलपर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।